कलेक्टर साहब को थूक नहीं, क्यों नहीं आए ज्ञापन लेने? मैं जानता हूँ कि उनको कोई अधिकार नहीं हमारे ज्ञापन के ऊपर कार्रवाई करने का। पटवारी भी ज्ञापन लेगा तो मैं कलेक्टर का प्रतिनिधि मान के दे दूँगा। आपको हमारे आदरणीय के पात्र है, लेकिन इसी मौके पर कलेक्टर को भी आना चाहिए ज्ञापन लेने। हम जिला मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, हम सब डिवीजन में ज्ञापन देते तो SDM को दे देते, तहसील में ज्ञापन देते तहसीलदार को ज्ञापन देते। तब आपको मैं कलेक्टर ही मान के ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है दुनिया भर का, जिसने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है। अगर सही पूछिए तो हम लोग कोई चपरासी चौकीदार नहीं है, चौकीदार चपरासी भी भारत का नागरिक है। पूरी हो नहीं मानते कलेक्टर साहब को थूक नहीं, क्यों नहीं आए ज्ञापन लेने? मैं जानता हूँ कि उनको कोई अधिकार नहीं हमारे ज्ञापन के ऊपर कार्रवाई करने का। पटवारी भी ज्ञापन लेगा तो मैं कलेक्टर का प्रतिनिधि मान के दे दूँगा। आपको हमारे आदरणीय के पात्र है, लेकिन इसी मौके पर कलेक्टर को भी आना चाहिए ज्ञापन लेने। हम जिला मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, हम सब डिवीजन में ज्ञापन देते तो SDM को दे देते, तहसील में ज्ञापन देते तहसीलदार को ज्ञापन देते। तब आपको मैं कलेक्टर ही मान के ज्ञापन दे रहा हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है दुनिया भर का, जिसने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है। अगर सही पूछिए तो हम लोग कोई चपरासी चौकीदार नहीं है, चौकीदार चपरासी भारत का नागरिक है। पढ़िए।